मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज ए खत्म की थी, राइट? चैप्टर नंबर 16 में. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज बी. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट डेट हियर. ओके, और सी डब्ल्यू. अभी देखो, एक्सरसाइज टू में, एक्सरसाइज बी में हमें क्या करना है, रीड दिस अंडरलाइन यू एन डी ई आर एल आई एन ई अंडरलाइन दी डूइंग वर्ड्स डी ओ आई एन जी डूइंग डब्ल्यू आर डी एस वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस एस सी एन टी ई एन सी ई एस सेंटेंसेस गिवन बिलो, राइट? सो यहाँ पे हमें क्या करना है, डूइंग वर्ड्स मतलब क्या, कि जो वर्ड्स हम कुछ कर रहे हैं वो मैंशन कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डूइंग वर्ड्स, राइट? तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जो सेंटेंसेस दिए गए हैं हमें उसमें से डूइंग वर्ड्स को हमें अंडरलाइन करना है, राइट? सो नंबर वन इज द बेबी ई ए बी वाई बेबी क्राइज सी आर आई एस क्राइज वैन डब्ल्यू एच ई एन वैन इट इज हंग्री एच यू एन जी आर वाई हंग्री. तो यहाँ पे हमें क्या बोला है कि बेबी क्या करता है, क्राई करता है. कब क्राई करता है, जब उसको भूख लगी हो. हमें भूख लगी होती है तो हम अपनी मम्मी को बोलते हैं कि हमें खाना दो. अभी बेबी को तो बोलना भी नहीं आता है तो वो क्या करेगा, मम्मी को कैसे बोलेगा, तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा. तो क्या होता है, मम्मी को पता चल जाएगा अभी उसको भूख लगी है. तो यहाँ पे क्या बोला है, द बेबी क्राइज व्हेन इट इज हंग्री. ओके, नाउ नंबर टू इज द ज़ेब्रा जेड ई बी आर ए ज़ेब्रा ईट्स ई ए टी एस ईट्स ग्रास एंड प्लांट्स पी एल ए एन टी एस प्लांट्स. तो ज़ेब्रा क्या खाते हैं, द ज़ेब्रा ईट्स ग्रास एंड प्लांट्स. ओके, नंबर थ्री इज अ पॉटर पी ओ डबल टी आर पॉटर अ पॉटर पी ओ डबल टी आर पॉटर मेक्स एम ए के एस मेक्स क्ले सी एल ए वाई क्ले पॉट्स पी ओ टी एस पॉट्स. तो हमें पता ही है ना, पॉटर होता है जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पॉटर. ओके, तो वो क्या बनाते हैं, क्ले पॉट्स मतलब मिट्टी के बर्तन, राइट? सो नंबर फोर ही क्लोज्ड सी एल ओ एस ई डी क्लोज्ड द डोर. तो इसने क्या किया, कौन सा डूइंग वर्ड मतलब क्या एक्टिविटी परफॉर्म की, तो क्लोज किया. क्या क्लोज किया, तो डोर. तो क्लोज्ड क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड. ओके, नंबर फाइव द बॉयज प्लेड पी एल ए वाई डी प्लेड फुटबॉल एफ डबल ओ टी बी ए डबल एल फुटबॉल. तो यहाँ पे बॉयज क्या कर रहे हैं, फुटबॉल प्ले कर रहे हैं. नंबर सिक्स आई ड्रिंक डी आर आई एन के ड्रिंक मिल्क एम आई एल के मिल्क एवरी मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग. सो आप भी मॉर्निंग में मिल्क ड्रिंक करते हो ना, तो वैसे इस बच्चे का क्या हमें दिखा रहे हैं कि ये सुबह सुबह क्या करता है, दूध पीता है, राइट? आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग. आई ईट एग्स ई डबल जी एस एग्स फॉर ब्रेकफास्ट बी आर ई ए के ब्रेक एफ एस टी फास्ट. तो यहाँ पे क्या बोला है, आई ईट एग्स फॉर ब्रेकफास्ट. तो ईट क्या हो जाएगा, इट इज़ अ डूइंग वर्ड, राइट? नाउ एक्सरसाइज सी देखो नेक्स्ट पेज पे. सो हियर लुक एट द पिक्चर्स पी आई सी टी यू आर एस पिक्चर्स गिवन बिलो एंड सर्कल द डूइंग वर्ड्स इन द पैसेज पी ए डबल एस ए जी ई पैसेज. आप लोगों को क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें पिक्चर्स दिए गए हैं, उसमें से यहाँ पे हमें देखो पैराग्राफ भी दिया है, राइट? तो उसमें से जो जो भी डूइंग वर्ड है वो हमें क्या करने हैं, सर्कल करने हैं, राइट? सो वी विल स्टार्ट रीडिंग इट. मोना एम ओ एन ए मोना इज़ अ ब्राइट गर्ल. अभी देखो ब्राइट क्या होगा, डिस्क्राइबिंग वर्ड होगा. हमने किए थे ना डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लास्ट सेम जो हमारा कंप्लीट हुआ उसमें, तो ये क्या आएगा, ये डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, डूइंग वर्ड नहीं है. देन शी एस एच ई शी कम्स सी यू एम एस कम्स बैक फ्रॉम स्कूल एस सी एच डबल ओ एल स्कूल इन द आफ्टरनून ए एफ टी ई आर एन डबल ओ एन आफ्टरनून.
तो हम आप भी घर पे जाते थे ना जब स्कूल आते थे, तो आफ्टरनून में घर पे जाते थे ना, तो कम्स का क्या हो जाए, कम्स मतलब क्या है, आप जा रहे हो मतलब आ रहे हो, कम्स मतलब घर पे आ रहे हो, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, कम्स इज अ डूइंग वर्ब, सो हम क्या करेंगे यहाँ पे सर्कल करेंगे। नेक्स्ट शी, SHE शी प्लेज, PLAYS प्लेज विथ हर टॉयज एंड रीड्स, READS रीड्स बुक्स, BOOKS बुक्स इन हर फ्री टाइम, TIME टाइम। अभी आगे हमें क्या बोल रहे हैं कि वो देखो मोना है, तो मोना की जगह पे हम सब जगह मोना यूज़ नहीं करते, हम क्या करेंगे यूज़, शी यूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कैसे बताया, शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल इन आफ्टरनून, फिर अभी वो क्या करती है, शी प्लेज विथ हर टॉयज, फिर बाद में वो क्या करती है, अपने टॉयज के साथ खेलती है। देखो यहाँ पे पिक्चर में हमें दिखाया कि वो प्ले कर रही है, तो प्ले क्या हो गया, इज अ डूइंग वर्ड। फिर वो और भी क्या करती है, देखो उसकी एक गुड हैबिट है, वो है ना बुक्स भी रीड करती है उसके फ्री टाइम, आपको भी करना चाहिए, पूरा दिन खेलना नहीं चाहिए, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है, ऑन सम SOME सम डेज शी प्लेज PLAYS प्लेज दी गिटार GYTR गिटार और गोज GOES गोज फॉर अ स्विम SWIM स्विम। तो क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी वो क्या करती है, शी प्लेज दी गिटार मतलब गिटार बज जाती है, सो प्लेज फिर से क्या हो जाएगा, इज अ डूइंग वर्ड। गोज मतलब जाती है, कहाँ जाती है, स्विम मतलब स्विमिंग क्लासेस में जाती है। शी ऑल्सो राइट्स WRITES राइट स्टोरीज STORIES स्टोरीज, वो क्या करती है, स्टोरीज भी लिखती है, देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं, बहुत अच्छी गर्ल है, तो आप लोगों को भी ऐसे है ना अलग अलग चीज़ें ट्राई करनी चाहिए, राइट। देन शी कीप्स KEEPS कीप्स ऑल हर थिंग्स इन प्लेस PLACE प्लेस, और वो अपनी सारी चीज़ें देखो यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, नीट एंड क्लीन अच्छी जगह, जो जहाँ पे चीज़ होती है वहाँ पे रखती है, उसका रूम अच्छे से नीट एंड क्लीन होता है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना चाहिए, राइट। शी लव्स हर फैमिली शी लव्स LOVES लव्स हर फैमिली, तो आप भी लव करते हैं ना अपनी फैमिली को, तो वो भी क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड। फादर एंड मदर ऑल्सो रीड बुक्स, तो उसके फादर एंड मदर भी क्या करते हैं, रीड करते हैं बुक्स, किसके साथ, उसके साथ विथ हर, तो रीड क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड। नाउ नेक्स्ट दे TEY दे लिसन LISTEN लिसन टू द गिटार व्हेन शी प्लेज इट, तो वो लोग क्या करते हैं, सुनते हैं गिटार को जब वो प्ले करती है, तो लिसन क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड, और प्लेज भी क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड। मदर एंड फादर ऑल्सो लव मोना, तो वो भी उसको लव करते हैं, राइट, तो लव भी क्या हो जाएगा, डूइंग वर्ड। सो आप लोगों को ये समझ में आ गया। नाउ हम एक्सरसाइज बी क्या करेंगे, CW में हमें लिखनी है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो आपने देखो कल कंप्लीट की थी एक्सरसाइज ए, उसके आंसर्स मैं आप लोगों को आज भेज दूंगा, आप लोगों को चेक कर लेने। नाउ वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर बी, तो अंडरलाइन आपको वन लाइन लीव करके फर्स्ट ऑफ ऑल डेट और CW मेंशन करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज बी, अंडरलाइन द डूइंग वर्ड्स इन दी सेंटेंसेस गिवन बिलो, जो हमने टेक्स्ट बुक में किया वो सेम हमें CW में भी करना है, राइट। नंबर वन क्या है, शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल इन दी आफ्टरनून, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप लोगों को क्या करना है, अंडरलाइन करनी है, तो आप लोग क्या करोगे डूइंग वर्ड में, देखो यहाँ पे कम्स क्या है, डूइंग वर्ड, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे, अंडरलाइन। वैसे ही आप लोगों को ये 1, 2, 3, 4 सेंटेंसेस आप लोगों को इसमें जो जो डूइंग वर्ड है उसको अंडरलाइन करना है, मैं आप लोगों को रीड करके एक बार बता देती हूँ, राइट। नंबर टू इज आई ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग, नंबर थ्री इज पायलट्स फ्लाई प्लेन्स, नंबर फोर इज अ पॉटर मेक क्ले पॉट्स,
नंबर 5 ही क्लोज्ड द डोर. ओके, तो आप लोगों को ये कंप्लीट करना है, राइट. थैंक यू.